अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब? हमारे का शुक्र ठीक ठाक। हाँ जी, हमारी परी देख रहे हैं आप, तैयार हुई है। आज है जे है बर्थडे गर्ल, आज इसकी है बर्थडे, तो आज हम इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। वो हम आपके साथ दिखाते हैं कि हम जा कर रहे हैं। पहले हम लोग बस सारे बच्चों को हम लोगों ने तैयार किया, हम लोग खुद रेडी हुई है और खाना शाना हम लोगों ने बनाया। आज हमने कहा कि जहाँ पे जा रहे हैं तो खाना शाना हम लोग बना के घर जाएँ, आउटिंग वाली जगह है। तो हम लोगों ने गाड़ी में सारे सामान शामान रखा पीछे। ये जी हम लोगों ने जो है केक कट करने वाली छुरी रेडी की है, पीछे लगाए हैं फूल और उसको उसको रेडी किया, अच्छी लग रही है वो भी। और सारी चीज़ें हम लोगों ने एक गाड़ी में तो नहीं खा सकती थी, इतने सारे दो थी उसके ऊपर है। एक जो सबसे पहले ये गाड़ी निकली इसमें हम लोगों ने बैलून वगैरह ये सारी चीज़ें रखी, और आधी जो पार्टी थी वो हम लोग पहले गए और आधी बाद में आए, कि जो बैलून वगैरह हम लोगों ने सारे डेकोरेट वगैरह करने हैं तो वो सारे हम लोग लगा दें, क्योंकि आज सुबह हल्की हल्की धूप थी। फिर उसके बाद धूप बिल्कुल ख़त्म हो गई, लेकिन शुक्र से आज ठंडी हवा नहीं चल रही थी। अगर ठंडी हवा होती ना तो फिर आज हम ऐसी जगह पर गए थे तो वहाँ पर तो ठंड से हमारा क्या काम हो जाता। और बच्चों का हम लोग हाईनेक वगैरह सब कुछ नीचे हम लोगों ने ऐसे डबल डबल पहनी हुई थी, लेकिन कैप की ज़रूरत नहीं थी। अगर ठंडी हवा होती तो फिर तो ज़्यादा ही ठंडी ज़्यादा लगती। तो ये जी मैडम गाड़ी में मेकअप वगैरह कर रही है, कि इनको बच्चों को मेकअप वगैरह करने का बहुत शौक है, अमल फातिमा को भी इतना और बिया जिया को भी। और हाँ जी, ये जी देखें व्यू, कितना ज़बरदस्त व्यू है। आज हम यहाँ पे आए हैं, आज हम यहाँ पे बर्थडे पार्टी कर रहे हैं। पहले हम लोग यहाँ पे आए थे तो हम लोगों ने अपनी कज़न का यहाँ पे ब्राइडल शावर किया था, तो आज हम लोग का क्या काफ़ी टाइम हो गया है हम लोग घर से नहीं निकले ये आउटिंग वगैरह के लिए। तो आज बस दिल था कि यहाँ पे फोटोज़ वगैरह बहुत अच्छी आती हैं, बैक साइड बैकग्राउंड है वो बहुत ज़बरदस्त है, और पहाड़ी पानी शानी और एरिया बहुत मज़े का है। काश यहाँ पे मछलियाँ भी होती हैं और अच्छी चीज़ें होती तो वो भी हम पकड़ पकड़ते ना। यहाँ पे कश्तियाँ, पहले कश्ती चलती थी, पहले हम लोग आए थे तो हम लोग कश्ती में भी बैठे थे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं था। क्या वो इस तरह कोई सीन नहीं था, क्योंकि इतनी सख्त ठंड में अब कोई कश्ती वाले अंकल नहीं बैठे हुए थे। और हम लोगों ने यहाँ पे जगह ढूंढी सारी, और ये वाला एरिया में बहुत पसंद आया। और सबसे पहले ये दरख्त तो ना जैसे हमारे लिए इन्होंने ना काट के यहाँ पे छोड़ दिया कि ये लोग यहाँ पे आएंगे और बैलून वगैरह लगा के अपनी जो है बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो ये वाला जो एरिया था ना वो बस हमारे लिए इन्होंने ना दरख्त कट करके छोड़ दिया। और इस साइड पे दरख्त बहुत सारे थे और जैसे सही काफ़ी घना था, जंगल था। तो लेकिन ये वाला व्यू जो था ना बैक साइड वो भी हमें बहुत अच्छा लगा, और इधर बैठने की जगह भी थी। हम लोगों ने चटाइयाँ चटाइयाँ लगाई, सारे हम लोगों ने चीज़ यहाँ पे रखी, और हम लोग सब जो थे और जो थी अम्मी बड़े लोग वो पीछे, उन लोगों ने चावलों को दम लगाया हुआ था। तो हम लोग कहा इतनी देर आप वो लेके आओ तो हम जाके बैलून वगैरह फुलाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि बैलून इतने सारे जो बैलून था फुलाने वाला पंप था वो तो हम घर ही भूल गए, क्योंकि यहाँ कहीं जाते हैं तो ये मसला ज़रूर हो जाता है, क्योंकि अपने अपनी चीज़ें पूरी करो, खाने पीने की चीज़ें पूरी करो, चमचे प्लेटें बच्चों की कैप्स कोट सब चीज़ें हम लोगों ने रखी। लेकिन कोई चीज़ ऐसी होती है अक्सर, एक दफ़ा हम लोग कहीं घूमने फिरने गए थे तो हम लोग सारी चीज़ हम लोगों ने रखी थी कट करने वाली, लेकिन प्याज टमाटर सब कुछ रखा था, लेकिन हम लोग छुरी भूल गए थे हम कट किस चीज़ से करते। और एक दफ़ा हम लोग कहीं गए थे तो हम लोग माचिस भूल गए थे, और एक दफ़ा क्या हुआ था हम लोगों के पास, हम लोग ना बकरे का सब जो था गोश्त तो टिक्की सब कुछ हम लोग लेके गए। और फिर हम लोगों ने करना क्या था कि हम लोग घी घर भूल आए थे, तो फिर हम लोगों ने जो सारी चीज़ें हम लोगों ने मिसाल हल्का हल्का पानी डाल के हम लोगों ने उसी में सारी चीज़ें सब कुछ डाला भुना और बस खा लिया। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके वो भी बन गया था, बहुत मज़े का बना था। और जो है हमारी डेकोरेशन जो है वो साथ साथ चल रही है, साथ साथ हम बैलून भी फुला रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने ऊपर लगाए और साइडों पे हम नहीं लगा सकते थे, हमारा दिल बहुत ज़्यादा था कोई वो इस तरह का लगा सकते, लेकिन झाड़ियाँ और इतनी है ना कांटे शांटे हर जगह पे, तो हर जगह पे ये दिख रहा, नीचे से भी हम लोग घास हम काटनी पड़ी, कि पहले हमने कहा नीचे बैलून रखते हैं, लेकिन फिर बैलून जैसे हम लोगों ने नीचे रखे तो चारों हमारे तो बैलून वैसे ही फट गए थे, तो नीचे हम घास पे भी नहीं रख सकते थे। और ये जी हमें मिल गई सिप्पी, देखिए ना आज हमें सिप्पी मिली। और जो थे ऊपर वाले हम, फिर हम लोगों ने दो लाइन में बनाई बैलून्स वगैरह की, वो हम लोगों ने लगाई नीचे। ये हम लोग कपड़े शपड़ा लेके आए थे साथ के, इस तरह हम लोगों ने रखा। और ऊपर सब जो है टेबल शेबल वो टेबल तो हम नीचे रखे, ऊपर चीज़ें रखती हैं। सबसे पहले अमल और हदीम फातिमा भाग भाग के आए कि हम लोगों के कपड़ों की मैचिंग की है जो है डेकोरेशन बैलून वगैरह, तो हम लोग सबसे पहले अपनी पिक वीडियो बना लें उसके बाद औरों की बनाएंगे। तो ऐसे भाग के आई ना जैसे सब कोई भी नहीं था। तो उसके बाद हम लोगों ने केक चीज़ें रखनी शुरू की, और वो केक बनी है तो वीडियो डाली नहीं है, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा, मुझे बहुत ज़्यादा वो
सर्दी भी लग रही थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी बनाती हूँ ये। जी केक हम लोगों ने निकाला और बेचारे इसको फेंक दिया। केक बहुत मज़े का था, बहुत टेस्टी था केक, सही फ्रेश दिख रहा। बेचारा केक था ना सारी ना, रास्ते में इतना बड़ा सा कार्टन था केक का, तो उसको मैंने गोदी में उठा के काकस बना के ले गई हूँ, क्योंकि वो इतने जंप थे सारे रास्ते में कि बेचारा केक इधर उधर हलता रहा बेचारा। एक दो के फूल जो है वो उसके हुए ख़राब। और अभी ये जी हम लोगों ने बर्थडे स्टार्ट की, और सबसे पहले जो है अभी है जिया, उन्होंने क्लैपिंग वगैरह करने शौक, जिया को बहुत ज़्यादा शौक है क्लैपिंग करने का। और ये जी इन लोगों ने बच्चे उठाया, कट करने लगी हैं केक को। हाँ जी हैप्पी बर्थडे टू यू अभी अभी रानी। ये जो बिया है ना अभी है जिसके बर्थडे कार्ड जो है इसका नाम मैंने रखा था, मुझे ये नाम बहुत ज़्यादा पसंद था। नबी पाक अज़्ज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अपनी बेटी का नाम रखा था ना अबीहा, तो प्यार से वो बीहा बीहा कहते थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। तो मैंने अमल की बारी में मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा था, मेरे बिल्कुल जहन में नहीं था, अमल से पहले मुझे याद था तो मैं रखूंगी, लेकिन अभी हाँ जब फिर मुझे भूल गया था, तो अमल का नाम फिर जो है वो उसके पप्पो ने रखा था और मैं हूँ बिया के पप्पो, तो फिर जब मुझे याद था तो हमने फिर ये बिया का नाम रखा था। तो बिया और छोटी जो है बिया से रिलेटेड नाम रखा बिया वजीहा। ये जी हम लोगों ने पहले ये लगाया जो बड़ी गर्ल वो भाग गई बेचारी, तो पहले हम फिर उसको हमने बड़ी कोशिश से कहा कि नहीं नहीं खड़े रहो खड़े रहो, कुछ भी नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा, डर रही थी। हमने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, हम सारे पास हैं, आपके आपके ऊपर कुछ भी नहीं आता। तो ये जी केक कट किया इन्होंने फिर अपनी वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, और अम्मा फातिमा को केक खिला रही है, और अम्मा फातिमा अब इसके बाद इसको खिला दी है केक। इन्होंने अपने खाना अलग, इतनी सर्दी है खांसी है इतनी ज़्यादा इनको, और ये तो मैंने इनको बहुत मना किया आप लोग क्रीम ना खाओ लगा नहीं, इन्होंने ना फिर भी चम्मच भर भर के इन्होंने क्रीम ही खाई और दूसरी को भी खिलाई। लेकिन माशाल्लाह से केक बहुत मज़े का था, और जो बिया रानी है वो बहुत प्यारी लग रही है। पहले जो घर में इसने बनाया था जूड़ा छोड़ा, लेकिन इधर आई तो ख़राब हो गया, फिर हम लोग उसका जूड़ा बनाया, फिनिशिंग लगाई, कपड़ों की मैचिंग की, रेड लिपस्टिक, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ही शौक है। और जो थी छोटी जिया रानी उसने तो केक खाने से मना कर दिया, उसने कहा मैंने केक नहीं खाना, तो वो लेस पे लगी हुई है कि मैं तो सिर्फ लेस जो है वही खाऊंगी। और ये जी अब आई अजान की बारी, अजान भी लेस रंटियों में बिजी था, अब उसने भी केक खाया। हाँ जी अब क्योंकि हमारी भूख की इंतहा हो गई थी, तकरीबन 3:15 बज गए थे, तो हमने कहा बस जी अब जल्दी जल्दी केक कट हो गया है, केक शेक हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा चेक किया अब रखा कि फिर खा लेंगे, और चावल पास हों तो फिर किसी और चीज़ के हम कहते हैं कि वो ना कुछ भी ना खाएं। तो फिर हम लोगों ने सब ने चावल चावल डालना शुरू की, ऊपर दही साथ सैलड वगैरह वो साथ घर से बना के लेके आए थे, तो हम लोगों ने खाना शुरू किया। चावल भी माशाल्लाह से बहुत मज़े के बने थे, और जी सारे बिजी हैं खाना खाने में, क्योंकि हम लोगों ने सुबह नाश्ता तो इतना हैवी नहीं किया था, जस्ट अंडा बॉयल चाहे उस तरह का, तो बस यही था कि उधर जाएंगे तो खाने के। लेकिन अभी सर्दियों का मौसम है, अब उठते तो हम थोड़ा सा लेट ही हैं, लेकिन कि अब हरी फातिमा का स्कूल खुला है, लेकिन हरी फातिमा का स्कूल शुक्र से क्योंकि सुबह धुंध होती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो 9:30 बजे तक उसने जाना होता है, लेकिन फिर भी 8:30 बजे तक तो उठना ही पड़ता है। और ये जी हम लोगों जो है खाना शाना हम लोगों का हो गया, और ये मैडम जो है इस ये देखें इसने इतनी ना जिद लगाई हुई थी कि अपनी बड़ी आप की जो है ना बिया रानी की इसने शूज़ पहने हैं, इसको इसको केक की इसको बर्थडे की किसी चीज़ की खुशी नहीं थी इसको, बस आप अभी भी ये यही कह रही है कि मैंने शूज़ पहने हुए हैं, मैंने हील पहने, इसकी इतनी खुशी थी उस हील पहने के, बहुत बच्चों का शौक होता है हील पहनने का, तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी ये देखें इतने चल कैसे रही है, लेकिन इस मैडम ने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि मैं मुझके से चलने में उतार दें, आज इसने जूते नहीं उतारे। और ये जी हम लोग इतने हम लोगों ने अपनी हवा जाया कि हम लोग बैलून फुला फुला के तो हम यहाँ पे छोड़ के तो नहीं जा सकते थे। हाँ जी हमने जितने फुलाए ना हम लोगों ने सारे ना एक गाड़ी में रखी दूसरी गाड़ी में रखी, हम लोगों का घर लेके जाएंगे, और बच्चों बच्चे जो हैं घर में खेलेंगे और काम आएंगे। जैसे अभी भी यहाँ पे खेलना शुरू करते हैं, मैंने कहा चल बेटा अब रखते हैं गाड़ी में तो फिर वहाँ खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो उड़ जाएंगे या फट जाएंगे हवा से, और यही सीन है, तो इतनी मेहनत की है तो घर ही लेके जाते हैं। फिर हम लोग जी सारा सामान हम लोगों ने चटाइयाँ चटाइयाँ चावल के देच के छचके सब कुछ हम लोगों ने गाड़ी में रखे, और हम जी इस जगह को हमने की बाय बाय,
और यहाँ से हम लगता है देखना जंगल की ये जगह बहुत जबरदस्त है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे ना फोटो शूट है ना शादी वगैरह का, वलीमे का या मेहंदी की उधर वो होना, तो बहुत ज़बरदस्त शूटिंग है। उस दूल्हे लहंगा उठा के भागते भागते आए, ये सरसों का साग और ये जो पीछे लगी हुई येलो फूल जो बहुत ज़बरदस्त। और ये जी अब हम लोग यहाँ से निकले, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, कमेंट शेयर प्लीज़। और आज की मुलाकात यहीं एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे, दुआ में याद रखना, कमेंट्स में लाजमी बताएगा आज का हमारा मुलाकात आपको कैसा लगा। बाय बाय।